अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। BMC VTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं YouTube के ज़रिए और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, मराठी सुगम भारती इयत्ता पाँचवीं मध्यम उर्दू इयत्ता पाँचवीं विषय मराठी आणि जे पाठ आम्ही शिकवणार आहे पाठ क्रमांक 16 वाड दिवस। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना, तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबक नंबर 15 वार्ड दिवस। क्या याद आ रहा है आपको वार्ड दिवस से? और उसके सामने लिखा है भाई वाचा, वार्ड दिवस वाचा आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे और उसके बाद आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर इसे हम समझेंगे। तर मुलांनो, आज आम्ही जे पाठ शिकवणार रहे हैं पाठ क्रमांक 15 वाड दिवस, बर्थ डे जन्मदिन मनाते हैं ना हम लोग। क्या क्या करते हैं बर्थ डे में? बर्थडे में क्या क्या करते हैं? हाँ, केक लाते हैं, घर को सजाते हैं, बलून फुगाते हैं और बर्थडे हम मनाते हैं। उसी तरह यहाँ पर आज हम ये सबक पढ़ेंगे वाड दिवस। भाई वर्गत आल्या, त्यांनी वर्गाकडे एक नजर टाकली, समोरच्याच बाकावर रमेश बसला होता। दररोज शाळेचा गणवेश घालणार रमेश आज रंगीत कपडे घालून आला होता। आज रमेशचा वाढदिवस हे बाईंनी ओळखले, बाईंनी रमेशला पुढे बोलावले। वापस एक बार पढ़ो, ध्यान से सुनिए। बाई वर्गात आल्या, त्यांनी वर्गाकडे एक नजर टाकली, समोरच्याच बाकावर रमेश बसला होता। दररोज शाळेचा गणवेश घालणारा रमेश आज रंगीत कपडे घालून आला होता। आज रमेशचा वाढदिवस हे बाईंने ओळखले, बाईंने रमेशला पुढे बोलावले। समझ में आ गया आपके? आप लोगों को आप पढ़ना है, ओके। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, किताब है तो किताब में से पढ़िए, अगर नहीं है तो वीडियो में से पढ़िए पॉज करके, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। बाई, बाई मतलब टीचर, वर्गात मतलब क्लास में, आल्या मतलब आई, बाई यानी टीचर क्लास में आई। त्यांनी वर्गाकडे एक नज़र टाकली,
यानी टीचर ने वर्ग खड़े मतलब जमात की तरफ क्लास की तरफ एक नज़र टाक ली, एक नज़र देखा। समोरचाच बाकवर, समोरचाच मतलब सामने के ही बाकवर बेंच पर रमेश बसला होता, रमेश बैठा हुआ था। दर रोज शाळेचा गणवेश घालणारा रमेश आज रंगीत कपड़े घालून आला होता। दर रोज मतलब डेली रोजाना शाळेचा गणवेश स्कूल का यूनिफॉर्म घालणारा पहनकर आने वाला रमेश आज रंगीत कपड़े यानी रंग बिरंगी कलरफुल कपड़े घालून आला होता, पहनकर आया था। आज रमेश का वाढदिवस, आज रमेश का क्या है, बर्थडे है, योम पैदाइश है, जन्मदिन है। हे बाईनी ओळख ले, ये टीचर को समझ में आ गया। बाईन ने रमेशला पुढ़े बुलावले, टीचर ने रमेश को आगे बुलाया। समझ में आया आपके शब्दार्थ। चलिए अब इसको हम समझते हैं। टीचर जो है क्लास में आई, उसने एक नज़र क्लास की तरफ डाला तो देखा कि सामने के बेंच पर ही रमेश बैठा हुआ था। रोज़ाना यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में आने वाला रमेश आज कलरफुल कपड़े पहनकर आया था। आज रमेश का वाढदिवस यानी आज रमेश का यौम पैदाइश है, आज जन्मदिन है, ये भाई के टीचर की समझ में आ गया और टीचर ने उसे सामने बुलाया। सामने बुलाया मतलब टीचर जहाँ पर खड़ी हुई थी वहाँ पर उसे बुलाया, किसे, रमेश को। समझ में आ गया आपके। क्या था, आज रमेश का जन्मदिन था, ये टीचर के समझ में आ गया। इतना आपके समझ में आया, वेरी गुड। क्या कर रहे हैं हम लोग, वाढदिवस यानी जन्मदिन मना रहे हैं, आज जन्मदिन का सबक पढ़ रहे हैं, वाढदिवस। हाँ पाठ आज हम ही शिकोतक। ओके, इतना समझ में आ गया आपके। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बाई मना लिया, ध्यान से सुनिए। बाई मना लिया, मुलानो आज रमेश का वाढदिवस आहे, आपण त्याला टाळ्या वाजवून शुभेच्छा देऊया। सर्व मुलांनी रमेशला शुभेच्छा दिल्या। ठीक है, वापस से एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बाई म्हणाल्या, मुलांनो आज रमेशचा वाढदिवस आहे, आज रमेशचा वाढदिवस आहे, आपण त्याला टाळ्या वाजवून शुभेच्छा देऊया। सर्व मुलांनी रमेशला शुभेच्छा दिल्या। भाई मतलब टीचर म्हणाले मतलब बोले, मुलांनो यानी बच्चों आज रमेशचा वाढदिवस आहे, आज रमेश का जन्मदिन है, आपण त्याला टाळ्या वाजवून शुभेच्छा देऊया। आपण सब लोग तालियां बजाकर उसे मुबारकबाद देंगे। सर्व मुलांनी रमेशला शुभेच्छा दिल्या यानी सभी बच्चों ने, मुलांना यानी बच्चों ने टालियां बजाकर जोरदार क्लैप कर उसका स्वागत किया, उसकी शुभेच्छा दी, उसको मुबारकबाद दी। समझ में आया, अभी समझते हम लोग और। तो जैसे ही टीचर को मालूम पड़ा कि आज रमेश का जन्मदिन है, उसको सामने बुलाया टीचर ने, और टीचर जो है बच्चों से कहने लगी, बच्चों आज रमेश का जन्मदिन है, उसका आज यौमे पैदाइश है, बर्थडे है, तो अपन सब लोग तालियां बजाकर रमेश को क्या देंगे, मुबारकबाद देंगे और उसे बर्थडे विश करेंगे। और इसी तरह सब बच्चों ने तालियां बजाकर उसको बर्थडे विश की, मुबारकबाद की, बधाइयां दी, जन्मदिन की क्या दी, बधाइयां, शुभेच्छा दी सभी बच्चों ने तालियां बजाकर। समझ में आएगा यहाँ पर क्या हुआ। टीचर क्लास में आई, उसने देखा कि एक लड़का जो है रमेश जिसका नाम है, वो सामने के बेंच पर बैठा हुआ है और उसने यूनिफॉर्म ना पहन के बल्कि कलरफुल कपड़े पहना, तो भाई को समझ में आ गया, टीचर के समझ में आ गया कि रमेश का आज बर्थडे है। तो रमेश को उसने सामने बुलाया और सब बच्चों से कहा कि आप तालियां बजाकर इसे मुबारकबाद देंगे, बर्थडे विश करेंगे। तो सब बच्चों ने तालियां बजाकर उसे बर्थडे विश किया। समझ में आ गया, चलिए बढ़ते आगे। आपला वाढदिवस साजरा झाला की आपल्याला आनंद वाटतो, पण
तुम्ही इतरांचे वाढदिवस साजरे करतात का? बाईंनी विचारले. वर्गातील बहुतेक मुलांनी हो म्हणत हात वरती केली. बाई रमेशकडे बघून म्हणाल्या, रमेश तू सांग बरं, कोणाचा वाढदिवस साजरा केला असते? वापिस एक बार पढ़ाओ, ध्यान से सुनिए. आपला वाढदिवस साजरा झाला की आपल्याला आनंद वाटतो, पण तुम्ही इतरांचे वाढदिवस साजरा करतात का? बाईने विचारले. वर्गातील बहुतेक मुलांनी हो म्हणत हात वरती केली. बाई रमेशकडे बघून म्हणाल्या, रमेश तू सांग बरं, कोणाचा वाढदिवस साजरा केला असते? समझ में आ रहा है? चलिए इसका शब्दार्थ देखते हैं. आपला वाढदिवस साजरा झाला की, साजरा मतलब मनाए. हमारा बर्थडे हमने मना लिए कि आपल्याला आनंद वाटते, यानी हमें बहुत खुशी महसूस होती है. पण तुम्ही इतरांचे वाढदिवस साजरा करतात का? लेकिन क्या तुम दूसरों के बर्थडे भी मनाते हो? बाई ने विचार लिया. टीचर ने ऐसा पूछा बच्चों से. वर्गातील बहुतेक मुलांनी हो म्हणत हात वरती केला. वर्गातील यानी जमात में, बहुतेक यानी ज़्यादातर बच्चों ने हो यानी हाँ बोलते हुए हाथ वरती केला, हाथ खड़ा किया, हाथ ऊपर किया. भाई रमेशकडे बघून म्हणाल्या. टीचर ने रमेश की तरफ देखकर कहा, रमेश तू सांग बरं, रमेश तू बता बरं, कोणाचा वाढदिवस साजरा केला असते? तुने किसका बर्थडे मनाया वो ज़रा बताएगी. किससे कहा? रमेश से. तो टीचर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमारा जन्मदिन हमने मना लिए तो हमें बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी और का बर्थडे मनाया है? जैसे ही सवाल पूछा तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्लास में कहा कि हाँ हम लोगों ने दूसरों का बर्थडे भी मनाए हैं, ऐसा करते हुए हाथ खड़ा किया. तो फिर टीचर ने रमेश की तरफ देखा और कहा कि रमेश तू बता वाला, किसका बर्थडे तूने मनाया है, ज़रा डिटेल में हमें भी बता के तूने किसका बर्थडे मनाया है. समझ में आ गया आपके? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ क्या हुआ बताइए ज़रा. रमेश का बर्थडे था, टीचर ने रमेश को सामने बुलाया, सब बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाया और उसको बर्थडे विश किया. तो टीचर ने कहा कि हम तो हमारा बर्थडे मनाते हैं और हमें खुशी मिल जाती है, लेकिन जब हम किसी और का बर्थडे मनाते हैं तो क्या आप लोगों ने किसी और का बर्थडे मनाया है कभी? तो बहुत से बच्चों ने कहा कि हाँ हमने मनाया. तो टीचर ने रमेश से कहा कि रमेश तू बता कि तुम लोगों ने किसका बर्थडे मनाया था, किसका वाढदिवस साजरा केला असते तर तू सांगता. समझ में आ गया? चलिए बढ़ते आगे. रमेश म्हणाला, आई बाबा दरवर्षी आमचे वाढदिवस आनंदात साजरे करतात. ते आम्हाला भेटवस्तू देतात. माझ्या बाबांच्या बालपण गरिबीत गेलं, त्यांच्या बालपणात त्याचे वाढदिवस कुणी साजरे केले नाहीत. या वर्षी मी आणि ताई ठरवले आपण बाबांचा वाढदिवस साजरा करायचा. वापिस एक बार पढ़ रहा हूँ. रमेश म्हणाला, आई बाबा दरवर्षी आमचे वाढदिवस आनंदात साजरे करतात. ते आम्हाला भेटवस्तू देतात. माझ्या बाबाचा बालपण गरिबीत गेलं, त्यांचे बालपणात त्यांचे वाढदिवस कोणी साजरे केले नाहीत. यावर्षी मी आणि ताईनं ठरवलं आपण बाबांचा वाढदिवस साजरा करायचा. रमेश म्हणाला, रमेशने कहा, आई बाबा याने माँ बाप अम्मी अब्बा दरवर्षी यानी हर साल आमचे वाढदिवस आनंदात साजरे करतात. हर साल वो वाढदिवस यानी हमारा जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं खुशी से. ते आम्हाला भेट वस्तु देतात. ते वो आम्हाला मतलब हमें भेट वस्तु मतलब गिफ्ट देतात. माझ्या बाबांचा बालपणा यानी मेरे बाबा का यानी मेरे वालिद का मेरे अब्बू का बालपणा यानी बचपना गरिबीत गेला यानी गरिबी में गुजरा है. त्यांच्या बालपणात त्यांचे वाढदिवस कोणी साजरे केले नाही यानी उनके बचपन में उनका जन्मदिन किसी ने नहीं मनाया. या वर्षी
यानी इस साल मी यानी ताई, मैं और मेरी बहन ट्रावले यानी तय किया अपन बाबांचा वाढदिवस साजरा करायचा। यानी हमें अपने अब्बू का, अपने डैडी का बर्थडे इस साल हमें मनाना है, ऐसा हमने तय किया। कौन कह रहा है ये? रमेश। समझ में आ गया? अब टीचर ने रमेश से पूछा कि आप लोगों ने किसी और का बर्थडे मनाया है तो कैसे मनाया है वो बता। तो रमेश यहाँ पर कह रहा है कि आए बाबा हर साल हमारा बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं और हमें क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन मेरे बाबा का जो है, मेरे वालिद का जो है बचपन जो है गरीबी में गुजरा और जब वो बच्चे थे तो उनका बर्थडे किसी ने नहीं मनाया। तो इस साल हमने ये तय किया, मेरी बहन ने और मैंने ये तय किया कि इस साल हम हमारे अब्बू का बर्थडे मनाएंगे। ये यहाँ पर रमेश ने कहा। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, कि हर साल बर्थडे हमारा मनाते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे अम्मी अब्बू, और हमें गिफ्ट देते हैं, खाना खिलाते हैं, बाहर घूमने लेके जाते हैं। लेकिन हमने क्या हमारे माँ बाप का बर्थडे मनाया है? तो रमेश कह रहा है कि मेरे जो बाबा थे उनका बचपन जो एकदम गरीबी में गुजरा, उनका बर्थडे बचपन में कभी किसी ने नहीं मनाया, इसलिए हमने तय किया कि इस साल हम हमारे वालिद साहब का बर्थडे मनाएंगे, बाबांचा वाढदिवस साजरा करायचा असा आम्ही ठरवला, मी आणि माझी ताईने। समझ में आ गया आपके? चलिए बढ़ते आगे। माझ्या ताईनंच नियोजन केले, तिने केक आणला, मी छानसा भेट कार्ड तयार केला, दोघांनी मिळून घरात सजावट केली, आम्ही बागेतला फुलांचा छान गुच्छ तयार केला, आईने बाबाच्या आवडीचा पदार्थ केले, आम्ही सर्वांनी बाबाचा वाढदिवस आनंदात साजरा केला, बाबांना आमचा कौतुक वाटला, वाढदिवस बाबाचा झाला पण बक्षीस मात्र आम्हा दोघांना मिळाला। वापस से एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको पढ़ना है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, आपको वीडियो पॉज करना है और पढ़ना है, ठीक है? माझ्या ताईनंच नियोजन केलं, तिने केक आणला, मी छानसा भेट का तयार केला, दोघांनी मिळून घरात सजावट केली, आम्ही बागेतल्या फुलांचा छान गुच्छा तयार केला, आईने बाबाच्या आवडीचा पदार्थ केले, आम्ही सर्वांनी बाबाचा वाढदिवस आनंदात साजरा केला, बाबांना आमचा कौतुक वाटला, वाढदिवस बाबाचा झाला पण बक्षीस मात्र आम्हा दोघांना मिळालं। देख लेते इसके शब्दार्थ। माझा ताईने यानी मेरी बहन ने नियोजन के लिए यानी सारी तैयारी उसने ही की थी, प्रोग्राम उसने ही बनाया था। तिने केक आणला, उसने क्या लाया, केक लेके आया, मिठान सा भेंट कार्ड तैयार केला, है ना, गिफ्ट कार्ड बनाते हैं ना हम लोग बर्थडे कार्ड। तो रमेश बोल रहा है कि मैंने भेंट कार्ड तैयार केला यानी कार्ड बनाया, दोघांनी मिळून घरात सजावट केली, दोघांनी मिळून दोनों ने मिलकर घरात मतलब घर में सजावट यानी सजाए, आम्ही बागेतला फुलांचा छान गुच्छा तैयार करा, बाग में जाकर हमने फूलों का एक अच्छे से गुच्छा बनाए, आईने बाबांचा आवडीचा पदार्थ केला यानी आईने यानी माँ ने बाबांचा यानी अब्बू के आवडीचा यानी पसंदीदा पदार्थ यानी खाना केला यानी खाना बनाए, आम्ही सर्वांनी बाबाचा वाढदिवस आनंदात साजरा केला यानी खुशी खुशी हमने बर्थडे मनाए, बाबांना आमचा कौतुक वाटला, बाबांनी हमारी तारीफ की, वाढदिवस बाबाचा झाला, जन्मदिन जो है किसका था, हाँ बाबांचा झाला यानी उनका ही हमने मनाए, पण बक्षीस मात्र आम्हा दोघांना मिळाली, लेकिन बक्षीस किसे मिली, हमें ही मिली, किसे, रमेश को और रमेश की ताई को। चलिए समझते हैं अब। तो रमेश कह रहा है कि हमने हमारे तय किया था कि हम हमारे वालिद साहब का बर्थडे मनाएंगे, तो सारी तैयारी जो है, सारा नियोजन जो है मेरी बहन ने किया, उसने केक लेकर आया, मैंने अपने डैडी के लिए, अपने अब्बू के लिए कार्ड बनाया, हम दोनों ने मिलकर घर सजाए, फिर बाग में से जाकर फूल तोड़कर एक अच्छा सा गुच्छा बनाए, है ना, बुके बनाते हैं ना, हाँ उस तरह, और आई ने जो है, अम्मी ने जो है अब्बू के पसंदीदा खाना बनाए, हमने फिर बर्थडे मनाया, और बाबा ने फिर हमारी यानी हमारे वालिद साहब ने हमारी तारीफ़ की, बर्थडे तो था किसका, हमारे वालिद साहब का, लेकिन गिफ्ट किसे मिला,
हम दोनों को ही मिला। क्यों मिला ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि उन लोगों ने क्या की थी, तैयारी की थी। समझ में आ गया ना। रमेश यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह उन्होंने अपने वालिद साहब का बर्थडे मनाया। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, आनंदा साजरा केला। बर्थडे किसका था? वालिद साहब का। लेकिन फिर भी गिफ्ट किसने मिला? रमेश को, उसकी बहन को, क्योंकि सारी तैयारियाँ उन्होंने ही की थी। ठीक, बढ़ते आगे। देखिए क्या होता है, बर्थडे मनाते हैं ना हम लोग, केक लाते हैं, सजावट करते हैं, बलून लगाते हैं, है ना। इस तरह हम क्या करते हैं, हमारा घर सजाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं। केक पर जिसका बर्थडे रहता है उसका नाम लिख कर लेता है, कैंडल लगाते हैं, सब लोग अलग अलग तरह से तैयारियाँ करते हैं, बराबर ना। आप लोगों ने भी जो तैयारियाँ की है आप लिख कर बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, अपने टीचर को भेज सकते हैं कि हमने इस तरह का बर्थडे मनाया था, क्या क्या तैयारियाँ की थी, बराबर ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तैयारियाँ करते हैं, केक बलून सजावट, इस तरह की तैयारियाँ रमेश ने और उसकी बहन ने की थी अपने बाबा के लिए, क्योंकि उनके बाबा का बर्थ दिवस था, जन्मदिन था, और वो मना रहे थे, क्योंकि बचपन उनका गरीबी में गुजरा और बचपन में किसी ने भी उनका बर्थडे नहीं मनाया था, इसलिए हम उनका बर्थडे मना रहे थे, ऐसा रमेश कह रहा था। समझ में आ गया। भाई मना लिया, काय मना लिया मुलांनो, रमेश आणि त्याच्या ताईंनी त्यांच्या बाबाचा वाढदिवस किती छान साजरा केला। बाईंनी रमेशचे कौतुक केले। वापस एक बार पढ़ रहा हूँ। बाई म्हणाल्या मुलांनो, रमेश आणि त्याच्या ताईने त्याचे बाबाचे वाढदिवस किती छान साजरा केला। बाईने रमेशचे कौतुक केले। बाईने म्हणाल्या, बाई बोल रही मुलांनो बच्चो, रमेश आणि त्याची ताईने, रमेश ने उसकी बहन ने उसके बाबा का वाढदिवस कितनी अच्छी तरह से मनाया। और फिर बाई ने जो है रमेश की तारीफ भी की, है ना। किस तरह मनाया बता सकते हैं ना आप लोग? वेरी गुड। भाई ने सारी तैयारियाँ की थी उसकी ताई ने, है ना, केक लेकर आया था, उसने कार्ड बनाया, फिर सजावट की घर के, फिर बाग में से फूल तोड़ के लाए, और इस तरह उन्होंने अपने डैडी का, अपने बाबा का, अपने वालिद साहब का बर्थडे मनाया। और जब उसने सुना दिया क्लास में ये सब बातें, तो उसके बाद उसकी जो टीचर थी, टीचर ने उसकी तारीफ़ की। समझ में आया। चलिए यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है, लेकिन आगे हम बढ़ते हैं और कुछ मश्क हल करते हैं। तैयार है आप लोग? चलिए ये आपको पढ़ना है। ओके, अभी क्या करना है आपको, पढ़ना है। इसमें एक छोटी सी कहानी है एक बच्चे की, वो बता रहा है, क्या बता रहा है देखिए। आमच्या शेजारी शिंदे आजोबा सा घर आहे। हमारे जो पड़ोसी है वहाँ पर एक शिंदे आजोबा यानी शिंदे दादा करके रहते हैं। त्यांचा मुलगा परगावी नौकरी करता, उनका जो बेटा था वो दूसरे गांव में नौकरी करता। आजोबा वो आजी गावीच रहता। आजोबा और आजी कहाँ रहते थे? गांव में ही रहते थे। आजोबा सामान आनायला मार्केट में दे गेले कि एखादी तरी गोष्ट विसरतात। जब वो मार्केट में जाते हैं आजोबा, तो मार्केट से आते वक्त वो एखादी चीज़ भूली जाते थे। आजी ने ती वस्तु लगेज हवी असते, आजी को वो चीज़ उसी वक्त चाहिए रहती है। आजोबा मला हाक मारतात, आजोबा क्या करते मुझे बुलाते हैं और विचारतात, देतोस का रे आनून, लाकर देंगा के बेटा। मैं पड़त पड़त जाऊँ त्यांची वस्तु आनून देतो, मैं भागते भागते जाकर उनकी वस्तु जो भी चीज़ रहती है वो लाकर देता हूँ। आजीला फड़ी वरचा वस्तु काड़ून द्यायचा काम माझंच असतं, ऊपर से जो भी चीज़ निकाल के देने की रहती वो मेरा ही काम होता है। आजोबांना रात्रीच्या डोळ्यांनी कमी दिसते, उन्हें रात में कम दिखाई देता है, म्हणून आजोबा मला बऱ्याच वेळा हाक मारतात, मी त्यांना मदद करतात, उनको आँखों से कम दिखाई देता है रात के बाद, तो वो मुझे बुलाते हैं, मैं उनकी हमेशा मदद करता हूँ। आई बाबा बाहर गेल्यावर मला याच आजी आजोबाचा आधार असते, आजी बाबा यानी उसके आई और बाबा बाहर गए तो यही आजी और आजोबा का उसको सहारा होता है। आजी मला खूप छान छान गोष्टी सांगतात,
आजी जो है मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं तर आजोबा त्यांचे लहानपणी की आठवणी सांगतात और आजोबा जो है मुझे उनके बचपन की बातें बताते हैं। ते ऐकताना मला खूपच मजा येते, वो सुनते मुझे बहुत मजा आता है। एखादा गणित सुटला नाही किंवा शब्दाचा अर्थ समजला नाही तर मी आजोबाकडे जातो। कोई मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे वो नहीं आ रही है या फिर कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा है तो वो किसके पास जाता है? आजोबा के पास ही जाता है। आजोबा बाहर गेले की आठवणी माझ्यासाठी खाऊ आणतात। वो बाहर गए तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लाते हैं। आमच्या गल्लीतले सगळे मला शिंदे आजोबाचा नातू समजतात। हमारे गली में सब जो है मुझे शिंदे आजोबा का क्या करते हैं? नातू समझते हैं, है ना? ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं आजू बाजू में जो बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं उनकी मदद करते हैं और करना भी चाहिए, है ना? कौन कौन करता है मदद ऐसी? किसी का ऐसा कोई किस्सा है, कोई वाक्य है तो आप लोग सुना सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। वाचा हे शब्द असेच लिहा, जैसे है वैसे ही आपको लिखना है। ध्यान से देखिए, वर्गात सर्वान्ना टाळ्या शुभेच्छा कौतुक बक्षिस या वर्षी। वर्गात सर्वान्ना टाळ्या शुभेच्छा बक्षिस या वर्षी। समझ में आ रहा है? ये जैसे वर्ड है वैसे ही आपको लिखना है, सेम टू सेम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पाठ है, पाठ क्रमांक 15 वार्ड दिवस, ये यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।